सकता हूँ। मैं आप लोग को बताऊँगा इस वीडियो में कि स्कॉलरशिप अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो क्या क्या रीज़न रहता है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने पे रहता है या फिर रिजेक्ट नहीं होता है, तो आप कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे ताकि आपका फॉर्म कंफर्म रहे 100% कि रिजेक्ट नहीं होगा। चलिए मैं आप लोग को लॉगिन करके कुछ डिटेल्स आप लोग को बता दूँ कि अभी मतलब कितना प्रोसेस चल रहा है। बहुत का फाइनल अप्रूव हो चुका है, बहुत का अभी कॉलेज अप्रूव भी हुआ है, बहुत का DA अप्रूव हो गया। तो मैं आप लोग को डिमांड पे आप लोग का क्वेश्चन पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि DA क्या अप्रूव करते हैं, क्या देखते हैं, DW क्या देखते हैं, AA ऑफिसर क्या चेक करते हैं, तो इस वीडियो में फुल प्रोसेस में बताऊँगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए मैं आपको एक अपना ही लॉगिन, अपना घर का मेम्बर का लॉगिन करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपना घर का एक एप्लीकेशन को लॉगिन कर चुका हूँ जिसमें आप लोग का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ कि इस साल उसका स्कॉलरशिप कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो जैसे 19-20 सेशन ईयर को सेलेक्ट किया, करने के बाद आप देख सकते हैं इसका अप्रूव बाय DA ऑफिसर हो चुका है, ठीक है। तो मेरे फैमिली का है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्रूव बाय DA ऑफिसर हो चुका है इसका, और बहुत का मेरे घर से है, बहुत का इसी के साथ फॉर्म अप्लाई किए थे तो उन लोग का अभी तक अप्रूव बाय कॉलेज ही है। तो क्यों अप्रूव बाय कॉलेज है, DA ऑफिसर क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, तब देख सकते हैं मैंने दूसरा भी लॉगिन कर चुका है, इसमें एप्लीकेशन स्टेटस अगर चेक करते हैं तो इसका एप्लीकेशन स्टेटस में आप देख सकते हैं कि अभी तक कॉलेज अप्रूव ही हुआ है, ठीक है, अप्रूव बाय कॉलेज। तो DA अप्रूव अभी तक क्यों नहीं हुआ इसका आप रीज़न जान सकते हैं। इसका फॉर्म जिस कंडीशन में भरा था, जैसे लास्ट में अगर फॉर्म भराता है तो अब तक DA के पास नहीं पहुंचा, DA का लिस्ट में बहुत नीचे होगा इसका नाम, या फिर अल्फ़ाबेट भी ले सकता है, तो N से इसका नाम स्टार्ट होता है इसलिए अल्फ़ाबेट में अभी N तक पहुँचा नहीं है, या फिर हो सकता है कि एप्लीकेशन नंबर से अगर DA अप्रूव कर रहे हैं तो इसलिए इसका अभी तक DA अप्रूव नहीं हुआ। तो कॉलेज अप्रूव हुआ मतलब इसके बाद कभी ना कभी कुछ दिन में DA अप्रूव भी हो जाएगा, ठीक है। तो DA क्या चेक करता है आप लोग को अगर बता दूंगा तो आप लोग कभी भी स्कॉलरशिप दिक्कत नहीं होगा। आप पहले यहाँ पर स्टेटस में आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को पहले ही एक रीज़न रिजेक्ट का रीज़न मैं आप लोग को पहले वीडियो में बहुत सारा बार बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी इस वीडियो में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है DA ऑफिसर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारा डिटेल्स रीज़न फॉर रिजेक्शन यहाँ पर दिया हुआ, सारा चीज़ को अगर आप देख लेंगे फिर भी मैं आप लोग को अपना तरीके से बता देता हूँ कि कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो होता है वो लेटेस्ट डालिएगा, जो भी स्कूल कॉलेज से मिलेगा स्कूल से मिलेगा आप लोग उसी को डालना है, गलती से भी आपको पुराना वाला लेके ही नहीं जाना ऑनलाइन के टाइम, ठीक है। उसके बाद जाति आवासीय और इनकम तीनों आपको डालना है ओरिजिनल। आप नीचे जाति आवासीय इनकम के नीचे आप डिजिटली सिग्नेचर को एक बार चेक कर लेंगे कि आपका वहाँ पर डिजिटली सिग्नेचर है कि नहीं है, ठीक है। बहुत का जैसे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड कर देते हैं तो आपको मालूम ही नहीं चलता कि यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर है कि नहीं, आपका यहाँ पर नीचे इस तरह डिजिटल साइन रहेगा, आपको पूरा लास्ट तक स्कैन करके देना है, ठीक है, एकदम लास्ट तक। और बहुत का होता है क्या, यहाँ से अगर आप यहाँ से काट के अगर दीजिएगा कि यहाँ पर ऊपर में तो सर्टिफिकेट है यहाँ से काट दिए, और नीचे वाला यहाँ डिजिटली साइन बाय जो ऑफिसर रहेगा यहाँ पर, जैसे इसका है सब डिविजनल ऑफिसर से, तो यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर का लेटेस्ट नाम होना चाहिए, ठीक है। बहुत का यहाँ 50% अगर दे देंगे तो आपका फॉर्म जिसके कारण पेंडिंग में आ सकता है, रिजेक्ट आ सकता है। तो ध्यान दें कि आप लोग का ये डॉक्यूमेंट अपलोड में डिजिटली साइन आना चाहिए, आप जब प्रिंट आउट करेंगे तो चेक कर लेंगे कि आपका नीचे यहाँ पर डिजिटली साइन तक आया है कि नहीं आया। फाइनल आप लोग सर्टिफिकेट को चेक कर लें, अपलोड करें, उसके बाद ये DA ऑफिसर आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट को चेक करता है, सारा डॉक्यूमेंट एक्यूरेट होना चाहिए तो DA ऑफिसर अप्रूव करते हैं, ठीक है। आपका कॉलेज डिटेल्स, कॉलेज वाला क्या चेक करते हैं, आपका सारा डिटेल्स चेक करेंगे, और आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि नहीं वो चेक करेंगे रजिस्टर से, और आपका बोनाफाइड कॉलेज देखेंगे कि आपका बोनाफाइड इस साल का है कि पुराना। तो आप लोगों को पुराना हाथ में रखना ही नहीं है, पुराना वाला को साइड कर देना, नया जो भी मिलेगा उसको ही अपलोड करना, और केयरफुली हमेशा अपलोड करना है कि इनकम के जगह पर इनकम, कास्ट के जगह पर कास्ट, रेसिडेंटल के जगह पे रेसिडेंटल। बहुत केस बहुत का हुआ है क्या की है कि रेसिडेंटल के जगह में कास्ट अपलोड कर दिए, कास्ट के जगह में रेसिडेंटल, इनका मतलब अलग अलग प्लेस में कर देने पर भी DA पेंडिंग करते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं या कॉलेज ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को केयरफुली चेक करना है।
ज़्यादातर कॉलेज खाली बोनाफाइड देखेगा और आप पढ़ रहे कि नहीं वो देखेगा, उसके बाद अप्रूव कर देगा। ठीक है, बात बाकी है डीए के पास। डीए आपका देखेगा सेशन कि आप किस सेशन में हैं, ठीक है, आप किस सेशन में और किस सेशन का मार्कशीट को अपलोड किए हैं, सारा डॉक्यूमेंट सही सही अपलोड किए हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट आपका डिजिटली साइन है कि नहीं। ठीक है, अगर आपका पुराना ही कास्ट है रेजिडेंटल है तो पूरा अपलोड है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन इनकम 6 महीना पुराना होना चाहिए। आपका सेशन दे देता है, जैसे इस बार का था 1 अप्रैल 2019, से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए था। ठीक है, तो बहुत टाइम मिल जाता है। उसके बाद सारा डिटेल्स डीए आपका चेक करेंगे, उसके बाद डीए सारा डिटेल्स चेक करने के बाद जैसे अप्रूव करता है, उसके बाद पहुंचता है डीडब्ल्यूओ ऑफिसर के पास। तो डीडब्ल्यूओ ऑफिसर सिर्फ चेक करते हैं आपका बैंक डिटेल्स, कि आपका बैंक डिटेल्स सही है कि गलत है, या फिर बैंक के साथ आधार सीडिंग है कि नहीं, बस इतना चेक करते हैं। अभी बैंक के साथ आधार सीडिंग होना बहुत अनिवार्य हो गया कि आप जो भी स्कॉलरशिप में डाल रहे हैं वो बैंक का साथ आधार सीडिंग होना चाहिए। ठीक है, ये डीडब्ल्यूओ चेक करते हैं। उसके बाद आपका डबल ए ऑफिसर, सारा ऑफिसर जब वेरीफाई कर दिए डीए डीडब्ल्यू, डबल ए ऑफिसर एक बार रीचेक कर लेते हैं सारा डिटेल सही है कि नहीं, उसके बाद फाइनल अप्रूव कर देते हैं। फिर आपका पैसा आने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, टाइम मतलब जब भी फंड आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जैसे ही फंड आएगा और पैसा उसके बाद रिलीज करने चालू कर देता है। ठीक है, आपका सेशन के अनुसार पैसा मिल जाएगा। इस बार मार्च तक अप्रैल तक आप लोग का सारा का पैसा आ सकता है। ठीक है, जैसे फंड में पैसा आएगा स्कॉलरशिप का, आप लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा।